Hello friends, welcome to my YouTube channel. How are you all? And अगर आप लौट कर आए हैं, thank you so much. आज की वीडियो है कि आपका करियर एंड आपका फाइनेंस स्टेटस कैसा रहने वाला है. एंड इट्स अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कि आपका करियर कैसा रहेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे होगी. एंड इसके लिए मैंने तीन पाइल चूज़ किए हैं. पाइल वन जो है ब्यूटीफुल रेड फ्लावर है, जो आप इमेज में देख सकते हैं इस पिक में. पाइल टू ब्यूटीफुल येलो फ्लावर एंड पाइल थ्री हमारा ब्यूटीफुल ऑरेंज फ्लावर है. मेडिटेट कीजिए 2 मिनट, अपने ईस्ट को याद कीजिए एंड पाइल चूज़ कीजिए. आई होप कि आपके ईस्ट जो हैं आपको राइट सजेशन देंगे. एंड ये रीडिंग क्वाइट जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या फिर ना करे, बट अगर रेजोनेट करे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना. एंड अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो आपके लिए कोई ना कोई एंजल मैसेज तो होगा ही, तभी आपको डिवाइन यहाँ तक लेकर आई है. एंड मैं पाइल्स के टाइमिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. जौन सा पाइल आप चूज़ करें, आप उस टाइम पे डायरेक्ट जाकर वीडियो देख सकते हैं. एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपको कोई ना कोई गाइडेंस एंड कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ ज़रूर देखने को सुनने को मिलेगी. आइए इसको रीड करते हैं. सबसे पहले हम आते हैं पाइल वन पर. एंड पाइल वन है हमारा ब्यूटीफुल रेड रोज़ फ्लावर. ओके, तो फाइल वन के लिए हमारा फर्स्ट कार्ड आया है द एम्प्रेस कार्ड. एंड बहुत ही अच्छा कार्ड है ये, आई एम वेरी हैप्पी. तो एम्प्रेस कार्ड जो है ये बताता है कि आपका जो है कला से जुड़ा, दैट मीन्स कोई क्रिएटिविटी वर्क जो है उसमें आप बहुत इम्प्रूवमेंट करने वाले हो. दैट मीन्स आप जिस बिज़नेस के बारे में, जिस प्रोजेक्ट के बारे में या फिर कुछ भी फाइनेंशियल करने के बारे में सोच रहे हो उसमें इम्प्रूवमेंट के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं. नेक्स्ट कार्ड हमारा आया है द मैजिशियन का. एंड मैजिशियन का कार्ड यह बताता है कि आपका आप अपने कार्य को करने में बहुत ही कैपेबल हो एंड आप बहुत ही स्मार्ट हो एंड बहुत इंटेलिजेंट हो. एंड ये सब चीज़ों से जो आपका बिजनेस है, जो आपका कैरियर है, वो काफ़ी अच्छा बनने वाला है, इसमें कोई भी शक नहीं है. सो बिलीव रखो अपनी पावर्स पर, बिलीव रखो अपने इंट्यूशन पर एंड आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो. एंड थर्ड कार्ड आया है जजमेंट का कार्ड. एंड जजमेंट का कार्ड भी यही बताता है कि जिन चीज़ों को आप कर रहे हो वो आपके भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगी, आपको फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉफिट होगा. एंड जजमेंट का कार्ड थोड़ा सा ये भी बताता है कि आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीखने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा निर्णय लीजिए. एंड आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हैं आपकी परिस्थितियाँ कि आप किन परिस्थितियों में कैसे ग्रो करते हैं. ओवरऑल देखूं तो पाइल वन के लिए रीडिंग काफ़ी अच्छी है, कैरियर काफ़ी ब्राइट होने वाला है एंड सब कुछ अचीव करने वाले हो आप बहुत ही जो हो क्रिएटिव हो एंड क्रिएटिविटी को भी अपने बिजनेस में लेकर आओ. साथ ही में जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम करने की सोच रहे हो उनमें आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलने वाला है. आप जो हो एक एम्प्रेस की तरह लाइफ स्पेंड करोगे, लेकिन यहाँ पर एंजलिक मैसेज ये है कि अपनी पावर्स को समझो एंड सोच समझकर डिसीज़न लो. ओके, थैंक यू सो मच फॉर पाइल वन. अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना. अब हम जाते हैं एंड रीड करते हैं पाइल टू के बारे में. पाइल टू के लिए येलो फ्लावर एंड वेलकम इन रीडिंग. फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है आपका द लवर कार्ड.
लवर कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको जो अपने कैरियर से रिलेटेड डिसीज़न हैं वो सिर्फ दिल से नहीं लेने, दिमाग से भी लेने हैं, बिकॉज़ प्यार जो है बहुत इमोशनल होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा सुख लेकर आता है तो साइड बाय साइड दुख भी लेकर आता है, मुश्किलें भी लेकर आता है। हो सकता है कि जो पाइल टू देख रहे हैं बहुत सेंसिटिव हों, इमोशनल हों, जिन्होंने पाइल टू सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर उनके लिए सलाह है कि बिजनेस और कैरियर से रिलेटेड फैसले दिल से ना करें, दिमाग से करें। सेकंड कार्ड आपका निकल के आया है डेथ कार्ड, जो कि बताता है कि आपकी पुरानी समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं, पुरानी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं, उनका दी एंड होगा। एंड उनका दी एंड का मतलब है ए न्यू बिगनिंग, दैट मीन्स भविष्य में आप अपने कैरियर में एक नई शुरुआत करोगे, अपने बिजनेस में एक नई शुरुआत करोगे, फाइनेंशियल में एक प्रोग्रेस करोगे, न्यू तरक्की होगी। एंड आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो न्यू बिगनिंग होगी वो अच्छी होगी, बिकॉज़ पॉजिटिव थिंकिंग से ही एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। एंड आपका थर्ड कार्ड है द सन का, एंड ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। द सन का कार्ड बताता है कि आपका फ्यूचर, दैट मीन्स जिस कैरियर के बारे में आप सोच रहे हो, काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी स्टेबल है, परिस्थितियाँ आपके काफ़ी अनुकूल होने वाली हैं, आपको काफ़ी तरक्की मिलने वाली है। एंड साथ ही में ये बताता है कि आप काफ़ी क्रिएटिव हो, एंड जो चीज़ें आप सोच रहे हो उन्हीं में आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। अपनी क्षमता पर किसी भी तरह का कोई शक मत करो, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, सन आपके साथ है, जो कि बताता है कि एवरीथिंग बहुत ही एनर्जेटिक वे से होगा, बहुत ही गुड होगा, रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। एंड आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही मैं कहना चाहूँगी कि अनुकूल है, परिस्थितियाँ आपके अकॉर्डिंग ही हैं, तो आपको ओवरऑल कैरियर में बहुत सक्सेस मिलने वाली है। ये रीडिंग भी काफ़ी अच्छी है, मेरा मन पढ़कर इसको एकदम से खुश हो गया। एंड अगर आपसे रेजोनेट की है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल थ्री, जिन्होंने ऑरेंज फ्लावर चुना है, ब्यूटीफुल ऑरेंज रोज़ फ्लावर, स्वागत है आपका इस रीडिंग में पाइल थ्री। एंड आपका फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है शफल करके, जो मैंने अभी निकाला है, वो है द मैजिशियन। एंड मैजिशियन कार्ड बताता है कि आप बहुत ही कुशल व्यक्ति हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप में आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा है, आप जो भी चाहते हैं वो आप करने में कैपेबल हैं, एंड आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, एंड जो है आप बुक्स की काफ़ी नॉलेज रखते हैं, प्लस उन नॉलेज को आप अपने प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करने में भी काफ़ी कैपेबल हैं। आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, आपने अपनी लाइफ, अपने लक्ष्य एंड अपने जो काम है उस पर समर्पित की हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, एंड रियली वेरी गुड, ब्रेवो। एंड आपका सेकेंड कार्ड निकल के आया है जजमेंट का, एंड जजमेंट का कार्ड यह बताता है आपके लिए कि आपके जो रिज़ल्ट होंगे वो ओवरऑल काफ़ी अच्छे होंगे, आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा, एंड परिस्थितियाँ काफ़ी आपके अनुकूल होंगी, क्योंकि जो इंसान बहुत हार्ड वर्कर है, जो बहुत वाइज है, जो बहुत कैपेबल है, उसके हाथ से सक्सेस कहीं जा ही नहीं सकती। साथ ही में जजमेंट का कार्ड यह भी बताता है कि फ्यूचर में अगर आप कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीज़न लेने वाले हैं तो कुछ एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग डिसीज़न ज़रूर लें, एकदम से जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न ना लें। एंड आपका थर्ड कार्ड है द सन, विच इज़ अगेन वेरी पॉजिटिव। पाइल थ्री, आपके रीडिंग पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस इन फ्यूचर मिलने वाली है। एंड द सन का कार्ड बताता है कि आप बहुत पॉजिटिव हो, एंड आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, फ्यूचर में आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी,
आप में काफ़ी अच्छी ऊर्जा है, काफ़ी अच्छी क्षमता है अपने कार्य को करने की, अपने बिजनेस में प्रोग्रेस लाने की, अपना कैरियर बनाने की। एंड एंजलिक मैसेज आपके लिए यह है, कीप इट अप, कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा कभी मत छोड़ो। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा, आपके मुट्ठी में होगा, लेकिन अपने ऊपर विश्वास करना बिल्कुल बंद मत करना। एंड ये पाइल थ्री की रीडिंग तो सच में बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल थ्री, एंड अगर रेजोनेट की है तो लाइक शेयर कमेंट करो। बाय, हैव अ गुड डे।